हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल हब के चैनल पर। जो भी दोस्त इस चैनल पर आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, इससे कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए तो दोस्तों, हमने एक मोबाइल के दो फोटोज़ ले रखी है, फ्रंट एंड बैक। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रंट का टेम्पर तो बना रखा है, अब हम बैक का टेम्पर, मोबाइल टेम्पर बनाएंगे। तो आज हमारी वीडियो है कोरल ड्रॉ से मोबाइल टेम्पलेट को बनाकर प्लॉटर फाइल में एक्सपोर्ट करके CO2 लेज़र के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। हम टेम्पलेट में थोड़ा सा साइज़ बड़ा या छोटा लेकर चलेंगे, इससे कि कोई परेशानी ना हो कोई टेम्पर्ड में। हालांकि सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ टेम्पर्ड नहीं होते, तो मैंने कई बार खुद मोबाइल का टेम्पलेट बनाकर लेज़र से कट किया है। आप कैमरे के सर्कल्स बड़े ही रखना, क्योंकि छोटा होगा तो अजीब लगेगा, लाइन आ जाएगी कैमरा लेंस के बीच में, फ़ोटो भी अलग सी आएगी।
अब आप चाहे तो आप इसमें कलर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे टेम्पलेट तैयार हो गए हैं। अब आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो में, कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये सारी CDR फाइल्स हैं। अगर ये आपको चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम 250 लाइक्स होने चाहिए, तो आने वाली वीडियो में आपको इससे भी अच्छे और बढ़िया CDR फाइल्स जो आपके लेज़र सॉफ्टवेयर में आसानी से सपोर्ट करेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हम इस अगली वीडियो में उसके नीचे लिंक दे देंगे उस CDR फाइल्स का। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास ऐसी और कई सारी CDR फाइल्स हैं जो कि मैं उनका यूज़ करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करें, और मैं अगले वीडियो में सभी CDR फाइल्स का लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सारे टेम्पलेट तैयार हो गए हैं। अब हम इस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे प्लॉटर फाइल में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हमने लेज़र मशीन का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे वो फाइल जो हमने कोरल ड्रॉ में एक्सपोर्ट की थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस फाइल में आपको कोई भी फाइल ब्लर नहीं होती दिख रही, और सभी टेम्पलेट को जो एक साथ हैं उनको सभी टेम्पलेट को अनग्रुप कर लेना है, ताकि सभी मोबाइल टेम्पलेट का साइज डाल सको आप इसमें। अब आप देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको कट भी करते हैं तो परफेक्ट साइज निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें साइज फीड कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।